फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। तो ऐश हैंडलिंग सिस्टम का यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में मेनली, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जब हम कोल बर्न करते हैं तो 40% अप्रॉक्स 40% जो है हमारी ऐश का जनरेशन होता है। इस ऐश को हैंडल करने के लिए ऐश हैंडलिंग सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है थर्मल पावर प्लांट में। तो ऐश हैंडलिंग सिस्टम में ऐश हम कैसे कन्वे करते हैं? तो ऐश हैंडलिंग सिस्टम दो तरीके से ऐश को कन्वे करता है। फर्स्ट, ये ऐश को कन्वे करता है वेट ऐश के फॉर्म में। वेट ऐश में क्या करते हैं, जो ऐश रहती है अपनी, उसमें हम वाटर के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। वाटर के साथ मिक्स करने में इसकी स्लरी फॉर्म हो जाती है, और इस स्लरी को फिर हम कन्वे करते हैं बाय यूज ऑफ पंप, ठीक। और दूसरी तरह से हम हैंडल करते हैं इसको, ड्राई एस। तो ड्राई एस में हम ऐसा करते हैं, ड्राई एस में हम सीधे ड्राई फॉर्म में ही ऐसा कन्वे करते हैं। जो वेट एस की फॉर्म है, इसमें हम स्लरी बनाने के बाद स्लरी का मिनिमम यूज कर पाते हैं, बहुत ही कम यूज है वेट एस की। और ड्राई एस में हम इसका यूज कर लेते हैं सीमेंट बनाने में, लैंड को फिल करने में, और आपकी ब्रिक्स बनाने में बहुत सारे इसके यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। और सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं थर्मल पावर प्लांट में किस किस पॉइंट पे अपनी ऐश का जनरेशन होता है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें ये आपका सेक्शन पूरा बॉयलर का फर्स्ट पास, ये सेकेंड पास, ये ए पी एच के बाद ESP, ID फैन और चिमनी, ये पूरा फ्लू गैस का अपना पाथ हो गया। अब देखते हैं इसमें अपना ऐश कलेक्शन पॉइंट क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम कोयला बर्न करते हैं बर्नर में, बॉयलर के अंदर। जब अपन लोग कोल बर्न किए, तो जो भी बड़े पार्टिकल हुए या फिर कोई अनबर्न पार्टिकल हुए, वो ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट बॉटम में ही गिर जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना कलेक्शन पॉइंट हो गया, ये हो गया बॉटम एस अपर। इस सेक्शन को कहते हैं बॉटम एस अपर, जो जस्ट बॉयलर के नीचे रहता है। इसमें हम लोग एस को कन्वे करते हैं वेट एस के, वेट सिस्टम के थ्रू, जिसमें हम जो भी एस है नीचे, इसमें पानी पहले से फिल रखता है, और जब इसमें एस गिरी, इसका एक स्लरी फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर हम इस स्लरी को कन्वे कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट अपना कलेक्शन पॉइंट। फिर अपना जो भी है फ्ल्यू गैसेज हुई, फ्ल्यू गैसेज प्लस एस का मूवमेंट होता है फर्स्ट पास से सेकेंड पास में। सेकेंड पास में अपना इकोनोमाइजर सेक्शन रहता है, इकोनोमाइजर सेक्शन में भी अपना एस का कलेक्शन हो गया। इकोनोमाइजर में जो अपना एस का कलेक्शन होता है, वो कंपेयर टू बॉटम एस पर बहुत ही कम परसेंटेज रहता है। फिर आपकी एस जाती है, दूसरा आगे रहता है ए पी एच में कलेक्शन होता है। फिर अपना बीच में कलेक्शन होता है डक्ट में, डक्ट के बाद जाते हैं आप ESP में मैक्सिमम कलेक्शन होता है एस का अपना, ठीक ना। ESP में मैक्सिमम हो गया। फिर आपका चिमनी में बहुत ही मिनिमम परसेंटेज, जो भी बच्चे कुचे रहते हैं, क्योंकि ESP में आपका मैक्सिमम जितने भी ऐसे है, वो जो आपकी फ्ल्यू गैस है उससे अलग हो जाती है। फिर चिमनी में बहुत ही कम परसेंटेज माइन्यूट पार्टिकल, जो बहुत जो बच जाते हैं, सिर्फ वही बस कलेक्ट होते हैं। तो पहला तो आप वेट एस से कर लिए, सेकेंड हम इकोनोमाइजर के भी मैक्सिमम केसेस में हम वेट एस के थ्रू ही इसका भी ट्रांसफर करते हैं। जो भी एस यहाँ पे कलेक्ट होती है, उसको वेट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बॉटम एस अपर में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर बॉटम एस में ट्रांसफर करके दोनों की एस को एक साथ ही ट्रांसफर करते हैं, एक साथ ही कन्वे कर लिए। और यस, जो भी अपना इकोनोमाइजर सेक्शन के बाद के जो सेक्शन, जैसे APH, ESP और ID फैन, और APH, ESP और चिमनी, ये जो तीनों हैं, इनका हम जो भी ट्रांसफर करते हैं वो ड्राई एस के फॉर्म में करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉटम एस अपर से, उसमें कैसे आपको क्या क्या उसके मेन पार्ट्स हैं। तो बॉटम एस अपर का ये एक सिंपल क्रॉस सेक्शनल व्यू है साइड में। तो बॉटम एस अपर जस्ट बिलो आपके रहता है बॉयलर के, ठीक ना। ये सिंपल एक प्लेट का हॉपर होता है। ये आपको एक मैं फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, फ्रंट व्यू कैसे रहता है। फ्रंट व्यू रहता है आपका कुछ ऐसा दिखता है, एक वी शेप में दिखता है ये हॉपर। अगर आप देखोगे फ्रंट से, तो ये वी शेप में एक हॉपर रहता है, जो जस्ट नीचे रहता है आपके बॉयलर के।
इसमें क्या करते हैं, हम पहले से पानी फिल कर लेते हैं और जो भी एस के पार्टिकल इसमें गिरे और इसके बाद इसमें इसका स्लरी फॉर्मेशन हो गया, फिर उस स्लरी को ट्रांसफर कर लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट इसमें हम यूज करते हैं। इसमें जो बॉटम एस हॉपर के मेन पार्ट हैं, इसमें पहला तो होता है हॉपर मेकअप। हॉपर मेकअप के लिए एक छोटा सा पाइप दिया रहता है सबसे ऊपर अपना हॉपर में ऊपर, और एक अपना पॉइंट देते हैं ओवरफ्लो के लिए। फ्लसिंग नोजल होते हैं, कुछ फ्लसिंग नोजल का यूज होता है मेन। आपकी जो भी साइड में आपकी कुछ एस क्या होती है, स्टिक हो जाती है, कुछ चिपक जाती है, उस एस को आपको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लसिंग नोजल का। फ्लसिंग नोजल के बाद फिर रिफ्रैक्टरी कूलिंग सेगमेंट हो गई। एक रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग हम अंदर देते हैं, जो भी अपनी एमएस प्लेट का हॉपर रहता है उसके ऊपर हम एक लाइनिंग देते हैं रिफ्रैक्टरी की। उस रिफ्रैक्टरी को कूल करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टरी कूलिंग सेगमेंट का। और रिफ्रैक्टरी कूलिंग सेगमेंट के बाद कुछ यहाँ पे मैन होल होते हैं साइड में, बाहर से कुछ पोक होल होते हैं, इंस्पेक्शन विंडो होती है देखने के लिए हॉपर के अंदर क्या सिचुएशन है। बाहर एक सील ट्रफ होता है, सील ट्रफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सील ट्रफ का यूज होता है मेन जो भी बॉयलर में एक्सपांसन होता है, जब भी जैसे कोई भी कोल्ड चीज रहेगी, जब उसको आप हॉट करोगे, जब उसमें हीट दोगे आप, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मटेरियल में एक्सपांसन होता है, कुछ उसमें एक्सपांसन होगा वर्टिकली या फिर होरिजेंटली, तो उस समय जो भी एक्सपांसन के समय अपनी सीलिंग करता है ये सील प्लेट, ये सील ट्रफ पूरा। तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं रहता, सिंपल एक नीचे बॉक्स अपन बनाते हैं और बॉक्स में हम वाटर को फिल कर देते हैं और ऊपर से एक प्लेट उसमें हम डिप करते हैं वाटर में। तो ये जो वाटर जो है तो ये सीलिंग का काम करता है और अपना मूवमेंट भी होता रहता है प्लेट का। तो ये तो हो गया अपना सिंपल बॉटम एस हॉपर, और ये कुछ डायग्राम है आपके। जैसे रिफ्रैक्टरी कूलिंग सेगमेंट में एक सिंपल पाइप कनेक्ट रहती है आउटर साइड से, और इसमें ऊपर जो है वायर प्लेट रहती हैं, वी शेप में प्लेट रहती हैं जिससे पानी हमेशा गिरता रहता है कूल वाटर। ये इंस्पेक्शन विंडो हो गई आपकी, सिंपल रिफ्रैक्टरी में ओपनिंग रहती है, एक वाटर नोजल दिया जाता है आपकी, जो भी इंस्पेक्शन विंडो में ग्लास रहती है उसकी क्लीनिंग के लिए, और इसको हम यूज कर सकते हैं पोक होल के रूप में भी। और ये आपका हो गया रिफ्लसिंग नोजल, सिंपल एक नोजल रहता है, हाई प्रेशर वाटर यूज करते हैं आपको क्लीन करने के लिए। ठीक, अब अपना ये तो पॉइंट हो गया है, और हम दूसरी चीज़ें इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है अपना फीड गेट। फीड गेट क्या करता है, फीड गेट जो भी अपनी स्लरी रहती है उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम जो अपना हॉपर है आउटसाइड, फ्रॉम हॉपर टू आउटसाइड। ठीक ना, ये हो गया आपकी फीड गेट। फीड गेट के बाद फिर आता है जो आपकी स्लरी रहेगी, स्लरी आती है क्लिंकर ग्राइंडर में। क्लिंकर ग्राइंडर का मेन काम क्या है, जैसे स्लरी जब भी एस के पार्टिकल्स रहते हैं उनका कुछ साइज बड़ा रहता है, तो उसको बहुत ही माइन्यूट करने के लिए, क्योंकि अपने को जो भी ट्रांसफ़र करेंगे हम ट्रांसफ़र करते हैं किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, तो जितने छोटे पार्टिकल रहेंगे उतना अच्छा अपने को, उतना आसानी हो जाएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इरोजन भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लिंकर ग्राइंडर्स में डबल रोलर रहते हैं जो अप्रॉक्स आपका 25 mm साइज तक छोटा कर देते हैं। ठीक, आपकी स्लरी आ गई, आपने फीड गेट ओपन किया, स्लरी आई क्लिंकर ग्राइंडर में, उसमें आपने ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद हम एक नीचे यूज करते हैं जेट पंप। जेट पंप क्या होता है, ये कोई पंप नहीं है, इसमें एक सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसमें एक साइड से हम एस का कनेक्शन देते हैं और दूसरे साइड से हमारा कनेक्शन किसका रहता है, एक हाई प्रेशर वाटर का। जैसे हाई प्रेशर वाटर एक साइड से आप सप्लाई करोगे एक साइड से एस को, तो जो हाई प्रेशर वाटर है जो इस सेक्शन पे आपका क्या कर देता है, हल्का से बहुत माइन्यूट वैक्यूम क्रिएट करता है, और इस वैक्यूम से यूज करते हैं हम इसको स्लरी को यहाँ तक लाने के लिए, और फिर हाई प्रेशर वाटर के थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे। तो इसके आगे का अरेंजमेंट क्या होता है, ये एस आपका जो स्लरी फॉर्म में हुआ जेट पम्प से, जेट पम्प से आगे गया, अगर आपका पॉन्ड पास में, अगर बॉयलर जो भी आपका पावर प्लांट है उसके पास में अगर आपका एस पॉन्ड है तो डायरेक्ट आप वहां से ट्रांसफ़र कर दो, बट जो जेट पंप की कैपेसिटी रहती है बहुत लो रहती है, बहुत ज़्यादा लेंथ तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, जेट पंप के बाद हम एक क्या करते हैं, इंटरमीडिएट स्लरी सम्प बनाते हैं। स्लरी पम्प, स्लरी सम्प क्या है, स्लरी पम्प एक छोटा सा स्टोरेज रहता है स्लरी के लिए। इसमें स्लरी सम में हम स्टोर करके आगे यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं।
जो पंप क्या करता है, आपको ट्रांसफर कर देता है एस पॉन्ड में। ठीक, एस पॉन्ड कुछ नहीं है, एस पॉन्ड एक सिंपल पॉन्ड है जिसमें आपको स्लरी कलेक्ट करनी है एक साथ। ठीक, तो ये हो गया अपना वेट एस का सिस्टम। अब वेट एस के बाद फिर अपन लोग देखते हैं ड्राई एस में। ड्राई एस APH, ESP और चिमनी का। एस की कन्वेइंग कैसे होती है, तो ड्राई एस के अपने कलेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं? ड्राई एस के कलेक्शन पॉइंट है APH, ESP, डक्ट हॉपर और चिमनी। चिमनी में तो बहुत माइन्यूट होता है तो इसको तो आप इलिमिनेट ही कर दीजिए। तो ये अपने तीन पॉइंट हो गए, जब से जिसमें सबसे मेन है ESP का। तो ड्राई एस की कन्वेइंग तीन टाइप से की जाती है। पहला तो होता है प्रेशराइज सिस्टम, पहला हो गया अपना प्रेशराइज सिस्टम। दूसरा हम करते हैं वैक्यूम से, वैक्यूम कन्वेइंग होती है, वैक्यूम सिस्टम आप कह दो। या और तीसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट अभी जो मॉडल अभी यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो है वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम, वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम। तो आज हम वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो अब वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम आपका क्लियर हो गया तो दोनों तो सिस्टम आपके अपने से क्लियर हो जाएंगे। तो वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम में क्या होता है, जो भी अपने कलेक्शन पॉइंट है, जो भी अभी कलेक्शन पॉइंट हो गया ESP, APS, डक्ट पर, उनसे हम क्या करते हैं ड्राई एस को लेके आते हैं, स्टोर करते हैं बफर हॉपर में। जो ड्राई एस को बफर हॉपर तक लेके आते हैं उसमें हम यूज करते हैं वैक्यूम कन्वेइंग का। वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं बफर हॉपर में, तो जब वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ तो सभी कलेक्शन पॉइंट से एस कन्वे हो किया जाती है बफर हॉपर में। वहाँ पे हम बफर हॉपर और एयर को सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे बफर हॉपर में एस स्टोरेज हो जाती है, और इस एस को फिर हम कन्वे करते हैं कंप्रेस्ड एयर के थ्रू, प्रेशराइज कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हम कन्वे करते हैं बफर हॉपर से अपना साइलो की तरफ। तो साइलो में आप कन्वे कर दिए बफर हॉपर से ऐसे साइलो में, साइलो में कलेक्ट करके फिर अपने यूज के हिसाब से या फिर ट्रक से आप कन्वे कर दीजिए, रेलवे वैगन से जैसे, या फिर पाइपों के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कलेक्शन पॉइंट के नीचे कैसा अरेंजमेंट रहता है वैक्यूम कंप्रेसराइज सिस्टम में। तो कलेक्शन पॉइंट में सबसे पहले वैक्यूम कन्वेइंग में कैसा अरेंजमेंट रहता है, तो कलेक्शन पॉइंट में ये ESP के नीचे की किसी भी हॉपर के नीचे एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ESP में जो भी एस कलेक्ट हुई, हॉपर में जो भी एस कलेक्ट होती है उसके नीचे आपका अरेंजमेंट रहता है, जिसमें सिंपल सा एक नीचे एक प्लेट वाल्व यूज करते हैं, जो मैनुअल प्लेट वाल्व यूज होता है, जिसका यूज सिर्फ हम इमरजेंसी केस में करते हैं, बाकी इसका यूज नहीं होता। हम पूरा जो भी कंट्रोलिंग है करते हैं डोम वाल्व से। डोम वाल्व क्या है, एक डोम शेप का अंदर डोम रहता है जिसके थ्रू कंट्रोलिंग होती है आपकी, या फिर वाल्व का काम करता है। ठीक, और उसके नीचे आप कपलिंग से एक टी कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक जो टी ज्वाइंट है उससे दोनों साइड में आप कनेक्ट कर देते हो पाइप बाय यूज ऑफ कपलिंग, स्लीप कपलिंग, और ये पाइप आपकी कनेक्ट होती है बफर हॉपर से। ठीक, तो बफर हॉपर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बफर हॉपर में आपने एस पूरी जो भी अपनी पाइप कनेक्ट करके आप लेके है बफर हॉपर में, बफर हॉपर में हमने क्या करते हैं, बफर हॉपर में हम यूज करते हैं वैक्यूम का, वैक्यूम क्रिएट वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और बीच में हम बैक फिल्टर लगा देते हैं। तो जो भी एस प्लस एयर आती है आपकी, तो बैक फिल्टर क्या करता है, बैक फिल्टर आपका सेपरेट कर देता है एयर और एस को। ठीक, तो एस यहीं पे आपकी रुक गई और एयर को वैक्यूम पंप ने सक कर लिया। ठीक, और जो भी एस हुई तो वैक्यूम जो बफर बैक फिल्टर ने जो भी सेपरेट की वो कलेक्ट हो जाती है बफर हॉपर में। बफर हॉपर में हमारा एक सिंपल सा अरेंजमेंट है हॉपर का, या फिर आप कह दो सिलेंड्रिकल शेप में एक हॉपर है जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं एस को। ये आपकी बफर हॉपर तक आ गई एस, और फिर इसके बाद बफर हॉपर के नीचे अरेंजमेंट होते हैं डी पंप का, डी पंप या फिर कह दो ट्रांसफर पंप आप कह सकते हो। ट्रांसफर पंप का अरेंजमेंट रहता है, ये छोटे छोटे आपके सिलेंड्रिकल वेसल हैं। ठीक, तो पहले बफर हॉपर से आता है एस आपकी डी पंप में, फिर डी पंप में सिंपल जैसे अरेंजमेंट अपना ESP के नीचे, नीचे एक डोम वाल्व लगा के, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं नीचे कन्वेइंग के लिए, वहाँ पे हम यूज करते थे वैक्यूम का, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रेशराइज्ड, यहाँ पे हाई प्रेशर एयर या फिर कंप्रेस्ड एयर का हम यूज करेंगे इस एस को यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए साइलो तक। ठीक, ये हो गया सिंपल बफर हॉपर जिसमें हम पूरे सिस्टम में क्रिएट हो गया। अब वैक फिल्टर
आपका क्या करता है, फिल्टर कर देता है एयर और एस को। तो एस जो भी हुई बची हुई आपकी कलेक्ट हो गई बफर हॉपर में। हॉपर में कलेक्ट होने के बाद जो भी एस कलेक्ट होती है उसको हम ट्रांसफर कर लिए छोटे छोटे पंपों में, और फिर एक साइड से हम कंप्रेस्ड एयर दिए और ऊपर से आपकी एस आ रही है, तो ये पूरी ट्रांसफर होके एस प्लस एयर ट्रांसफर होके चला गया किसमें, साइलो में। ये तो हो गया आपका ड्राई एस अरेंजमेंट वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम। ठीक, अब इन केस अगर आपका वैक्यूम कम प्रेशराइज सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, या फिर आपकी पंप में प्रॉब्लम आ गई या फिर कहीं और दूसरी जगह प्रॉब्लम आ गई, उस केस में एक और अरेंजमेंट हम रखते हैं, वो कहलाता है कलेक्टर टैंक, या फिर आप कह सकते हो वेट सिस्टम का। जो भी ड्राई एस का कलेक्शन पॉइंट है उसमें हम एक वेट एस का भी अरेंजमेंट रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं कलेक्टर टैंक में, और आपकी एस जैसे अभी आ रही थी बफर अपर में, यहाँ पे एस का आपका पॉइंट था, एस कलेक्ट हो रही थी, उसी में एक टी ज्वाइंट रहता है और एक यहाँ पे बॉल्व का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ पे बॉल्व आपने बंद कर दिया, तो जो भी आपकी एस है वो अब किधर जाने लगी, यहाँ पे कलेक्टर टैंक में। ठीक, तो कलेक्टर टैंक में एस आई आपकी, यहाँ पे आपने वेटिंग हेड लगाया। वेटिंग हेड में क्या होता है कि एक साइड से आपकी एस आ रही होती है और सेकेंड साइड से बहुत सारे इसके अंदर नोजल होते हैं छोटे छोटे, जिसमें हम हाई प्रेशर वाटर की सप्लाई करते हैं, तो जो भी एस रहती है अपनी स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्लरी फॉर्म की एस फिर कलेक्ट करते हैं कलेक्टर टैंक में। कलेक्टर टैंक में एक और अरेंजमेंट रहता है बफल प्लेट का। बफल प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या होता है, वेटिंग हेड पर पूरी अपनी कंप्लीट एस जो है तो स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ अपनी एयर डिजॉल्व हो गई या फिर कहीं पे आपकी कुछ ड्राई एस भी रह जाती है। वेटिंग हेड का आउटलेट एक हाइट से टकराता है आपका बफल प्लेट में, तो ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, और जिससे आपकी एस के जो भी ड्राई एस के कंटेंट हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ये चले जाते हैं आपके ड्यू टू वैक्यूम बफर अपर या फिर कलेक्टर टैंक के पोर्शन से एयर वाशर यूनिट में। एयर वाशर यूनिट में आपके पूरे एस के ड्राई एस के कंटेंट ट्रांसफ़र हो गए, और जो भी बचा हुआ आपकी स्लरी रहती है वो कलेक्ट हो जाती है नीचे कलेक्टर टैंक में। तो ये सिस्टम हो गया आपका बफल प्लेट का, क्या यूज है बफर। और एस वाशर यूनिट में क्या अरेंजमेंट रहता है, एस वाशर यूनिट में हम एक साइड से वाटर की सप्लाई देते हैं और अब बहुत छोटे माइन्यूट नोजल रहते हैं, तो इससे क्या होता है जो भी ड्राई एस रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्लरी में। और इसका एयर वाशर यूनिट का आउटलेट हम कनेक्ट करते हैं कलेक्टर टैंक के आउटलेट से, और इन दोनों का कंबाइन आउटलेट जाता है सील बॉक्स में। सील बॉक्स क्या है, सील बॉक्स ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, उसमें कुछ नहीं होता, एक बॉक्स होता है जिसमें बीच में एक प्लेट रहती है। ये प्लेट क्या करती है, एक लेवल मेंटेन रहती है वाटर का हमेशा, और जो हम आउटलेट देते हैं उसको डिप करते हैं उस लेवल से, वाटर के लेवल से नीचे। इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि इन केस कभी अगर आपका कलेक्टर टैंक का लेवल डाउन होता है तो आपका वैक्यूम क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये सील बॉक्स का आउटलेट गया आपका स्लरी हो गई, और इस स्लरी को कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं हाई प्रेशर वाटर का। ये हाई प्रेशर वाटर क्या करता है, स्लरी को ट्रांसफ़र करके ले जाता है सील बॉक्स से एस स्लरी सम में, जैसे बॉटम एस अपर में अपर करते थे, सेम फंक्शन यहाँ पे भी यूज होता है स्लरी को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक साइड से स्लरी आती है, एक साइड से एचपी वाटर। तो ये फंक्शन हो गया कलेक्टर टैंक में कन्वर्ट करने के लिए ड्राई एस को वेट एस में। तो इस वीडियो में अपन लोग ने जाना किस तरह से बफर अपर फंक्शन करता है, कैसे ड्राई एस का कलेक्शन पॉइंट को कन्वर्ट करना है इमरजेंसी में आपका कलेक्टर टैंक में। आपका एक पंप हाउस होता है, पंप हाउस में आपका एक होता है एस वाटर स्टोरेज टैंक। इसमें एक सिंपली एक वाटर का स्टोरेज टैंक है जिससे आपके पंप कनेक्ट रहते हैं, एलपी पंप और एचपी पंप। एलपी का हम यूज करते हैं फिलिंग करने में, जैसे बॉटम एस अपर में हम वाटर फिल करते थे वहाँ पे इसका यूज होता है, और एचपी का यूज होता है कन्वेइंग में। कन्वेइंग में बॉटम एस अपर में हम जेट पंप में जैसे यूज करते थे आपका हाई प्रेशर पंप, और कलेक्टर टैंक में यूज करते हैं। तो ये दो पंप हो गए जो मेनली यूज होते हैं। इसके साथ हम कंप्रेसर यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर का यूज है जितने भी एस हैंडलिंग सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर का यूज होता है आपके जितने भी डोम वॉल्व हैं,
डोम वॉल को ऑपरेट करने में, गेट को ऑपरेट करने में, फीड गेट को ऑपरेट करने में, और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर। और कन्वेइंग एयर कंप्रेसर का यूज होता है आपका बफर हॉपर के नीचे एस को कन्वे करने के लिए, एस कन्वे करने के लिए बफर हॉपर टू साइलो। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया कन्वेइंग एयर कंप्रेसर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव और कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।